said some things to you. सो हे गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वन प्लस नॉट के सक्सेसर के बारे में, जो कि बहुत ही जल्दी मार्केट में आने वाला है। वन प्लस नॉट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्मार्टफोन है वन प्लस के तरफ से, क्योंकि काफी अच्छी प्राइस पॉइंट में वन प्लस ने ये स्मार्टफोन लॉन्च किया था अपनी स्पेक्स के हिसाब से। और अभी भी 30,000 के बिलो प्राइस रेंज में आप इसको कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अब इसका सक्सेसर आने वाला है जो कि काफी सारी चेंजेस के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप वन प्लस नॉट के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब बिना टाइम बर्बाद के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें वन प्लस नॉट 2 के बारे में, तो यहाँ पे इस फोन का एक मेन स्पेसिफिकेशन लीक हो चुकी है, जो कि है इसका प्रोसेसर। वन प्लस नॉट में हम लोगों को स्नैपड्रैगन 765G, जो कि एक 5G प्रोसेसर था, वो देखने को मिलता था। लेकिन इस साल नॉट 2 में स्नैपड्रैगन नहीं बल्कि डायमेंसिटी सीरीज का चिपसेट देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के हिसाब से ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर के साथ, जो कि मीडियाटेक का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी आपको प्रोवाइड करता है। पिछले कुछ टाइम से डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ काफी सारी फोन मार्केट में आ रहा है, चाहे आप बात करें Realme की, Redmi के या फिर अपकमिंग OnePlus की। OnePlus Nord 2 वो पहला स्मार्टफोन है जो कि OnePlus की तरफ से MediaTek के प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा। इस फोन में आपको 5G के सपोर्ट भी मिलेगा। अब नेक्स्ट चेंज के बारे में यहाँ पे बात करें तो वो है इस फोन का डिस्प्ले। इस साल Nord 2 में 90Hz के डिस्प्ले के बदले 120Hz के डिस्प्ले हम लोगों को देखने को मिल सकता है, और ये डिस्प्ले एक AMOLED पैनल होने वाला है जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आने वाला है। और पिछले साल OnePlus Nord में जो डुअल फ्रंट कैमरा यहाँ पे मिले थे, इस साल Nord 2 में उसके जगह पे सिंगल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। अब बात करें इस फोन के कैमरास के बारे में, तो फिलहाल इस फोन के कैमरास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी कैमरास यहाँ पे दिया जा सकता है। एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन एक नया सेंसर का यूज यहाँ पे किया जा सकता है जो कि OIS के सपोर्ट के साथ आने वाला है। इसके अलावा इस फोन में 4500 mAh के आसपास की बैटरी होगा। तो अगर ओवरऑल बात करें तो इसकी जो मेन इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा वो है इसका प्रोसेसर और इसका डिस्प्ले, और कैमरास में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात किया जाए तो ये अराउंड 30,000 के आसपास ही मार्केट में आएगा, और लॉन्च डेट के बारे में बोला जाए तो ये अभी इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, अराउंड जुलाई के एंड में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो बस दोस्तों, यही है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि OnePlus Nord 2 के बारे में निकल के आई है। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही टेक वीडियोस देखने के लिए। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली बार और एक बेहतरीन टेक वीडियोस के साथ। टिल देन, फिनिश योर पॉपकॉर्न।